के पास फिर से आपका स्वागत है। रिटायर कॉलोनी और धनेरा कॉलोनी के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर नीमच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रिटायर कॉलोनी और धनेरा कॉलोनी निवासियों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक बार फिर से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का कहना है 40 वर्षों से नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं, किंतु लगभग 10 वर्षों तक कॉलोनी को धनेरा कला पंचायत में शामिल कर दिया गया है, जहां ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान कराया जाता है, तो मूलभूत सुविधा नहीं दी जाती है और कॉलोनी वासियों का राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के अभाव में नगर पालिका एवं पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं। वासियों ने कहा उक्त कॉलोनी में बाहर से आकर रह रहे नागरिकों के नाम मतदान सूची में जोड़े जावे, जिसको लेकर उनके भी राशन कार्ड बन सके एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। आक्रोशित रहवासियों ने कहा ना तो हम जिला कलेक्टर के ना ही जिला पंचायत के चक्कर काटेंगे, अब आज के बाद हम सीधे सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेंगे। हम सभी लोग धनेरा रोड स्थित अवैध कॉलोनी से आए और हम बार बार जन सुनवाई में और सीओ साहब से, नगर पालिका नीमच से हमें वैध कराने को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेने के लेकर कई बार हम लोगों ने धरना आंदोलन प्रदर्शन भी किया। हम बार बार ज्ञापन दे देकर परेशान हो गए हैं, हमारी कोई नहीं सुनने वाला है, ना नगर पालिका हमारी सुनती है, ना ग्राम पंचायत धनेरा हमारी सुनती है, ना जिला पंचायत हमारी सुनती है, और हम इस तरह से ज्ञापन ले लेकर दर दर भटकते फिर रहे हैं और हमारी कॉलोनी के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड हमारे लोगों को गरीबी रेखा के राशन कार्ड जमा करा लिए गए और उसके एवज में पंचायत से, नगर पालिका के पंचायत से हमें गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं मिले, जिससे हमारे यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। और विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, मतलब किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। अब हम परेशान हो गए हैं, अब आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे, हम सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेंगे और सीएम हेल्पलाइन पर ही फ़ोन करेंगे और सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे।